बोर्ड का नाम है अनारकली डिस्को चली। अच्छा हाँ, दूसरा नाम है इसका लिली डोंट बी सिली। लिली डोंट बी सिली, यस ऑलवेज सिली। ये हमारा दादा ने यूरोप में सीखा था, बाद में हमने सीखा था। अच्छा देखो, पहले यू ट्राई। ऐसा भारत मेरी जान के एक और धारावाहिक में आपका स्वागत है। आज हम हैं डल लेक पे और आपको दिखाने वाले हैं डल लेक का बहुत ही जबरदस्त जायका और मार्केट। आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं कहवा के साथ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है सर? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। थैंक सर। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया। सर हम कहवा बेचते हैं। अरे आपका नाम सर? मेरा नाम है जावेद अहमद। जावेद अहमद जी, जी सर। तो कहवा के साथ और क्या क्या रहता है सर? हमारे पास कहवा होता है, हॉट कॉफी, हॉट चॉकलेट और केसर दूध, बादाम दूध होता है सर, कैपेचिनो होता है। वैसे हमारे पास कहवा जो यहाँ के ट्रेडिशनल है जी, बाकी ऑप्शनल लेते हैं। जो बच्चे बच्चे होते हैं वो कहवा नहीं मतलब करते, तो फिर वो उनके लिए वो बाकी आइटम है। पिछले हम कहवा बनाते हैं, बहुत ऑथेंटिक कहवा। यहाँ ये समावार है? ये समावार है सर जी। समावार के अंदर कहवा जो है वो धीरे धीरे पक रहा है ना? जी सर, एग्जैक्टली जी सर। बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेस होती है, जैसे मतलब 11 इसका जो कहवा का डेफिनेशन है, काक का मतलब है 11, काक का मतलब 11 स्पाइसेस का बनता है, जैसे इलायची हो गया, दालचीनी, अदरक, ग्रीन टी, शंगरम, शेबिस्तान, काहजबान, केसर, बादाम, हनी और अखरोट, ये सब का मिक्सचर होता है। असल में एंटी कोल्ड टी है, यहाँ की असल में दवाई है सर्दियों की। हाँ, जब खांसी जुकाम होता है तो यही प्रेफर करते हैं पहले। ये चाय की चाय और दवाई की दवाई। हम जो छोटे बच्चे होते हैं मतलब इन्फेंट्स, 3 साल 2 साल के बच्चे, उनको हम फीडर में पिलाते हैं ताकि उनको दवाई की रोता पड़े तो यही पी ले। हाँ, यहाँ की दवाई है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अभी हम एंजॉय करते हैं और अपनी जो राइड है उसको एंजॉय करते हैं। थैंक यू शुक्रिया। तो भाई साहब, ये है आज का हमारा पहला स्वाद वटांदरा डल लेक के बीचों बीच, और ये जी कहवा। वाह, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है यार। भाई साहब देखो, घूमते घूमते हमारे पास इतने सारे बढ़िया बढ़िया लोग जो है वो आ गए हैं, और अभी हमारे साथ है जी शौकत जी। शौकत अहमद जी। और आप क्या बेच रहे हैं सर? मेरे पास चॉकलेट है अखरोट का, ये यहाँ का है। देखो पहले। अच्छा, अखरोट का चॉकलेट ये यहाँ का है, ये फेमस कश्मीर का। देखो जी, देखो पहले क्या क्या है। ये क्या है सर? ये चॉकलेट वॉलनट है। अच्छा, ये कोकोनट आइस है, ये लैमेला वॉलनट है, ये वनीला वॉलनट है जी, ये कोकोनट चॉकलेट है। अच्छा, ये वनीला चॉकलेट फज है, इसमें अखरोट और बादाम है। अच्छा, ये प्लेन चॉकलेट है। जी जी जी। यहाँ देखिए, यहाँ बिस्किट भी है। देखो। अच्छा, बिस्किट भी है। देखो, अरे वाह, ये चॉकलेट कुकीज और हनी कुकीज है। जी जी जी, वाह। इसमें आप एक ही चीज ट्राई कराइए जो हमें कहीं और नहीं मिलेगी। आप एक कोई बता रहे थे यूरोप का। हाँ, ये देखो, ये हमारा दादा ने यूरोप में सीखा था, बाद में हमने सीखा था। अच्छा, देखो पहले यू ट्राई जी। देखो टेस्ट कैसा है, इसमें अंदर अखरोट है। इसमें अंदर अखरोट है? हाँ, बाहर चॉकलेट जी। भाई साहब ये है वॉलनट चॉकलेट, और इसको ट्राई करते हैं। देखो टेस्ट कैसा है, इनसाइज इज नट्स। अंदर यार नट्स है। ये क्या रेट है? ये वेट के हिसाब से है, ये 2000 का केजी है। दाम तो सबका एक ही है, टेस्ट डिफरेंट है। ओके, और वो जो पिंक वाला है ये कोकोनट आइस है, बिस्किट पीस के हिसाब से है। अच्छा, वो कितने का है? ये 40 rupees पर पीस है, चॉकलेट का और हनी का। भाई साहब जब आप यहाँ पे डल पे घूम रहे हो ना, तो आपका आसपास जो है आपको कोई ना कोई आके ऐसे मिलता ही रहेगा। जैसे भाई आ गए हैं, कैसे हैं सर? कहवा तो पी लिया सर। थैंक यू। और इधर देखिए, अब फ्रूट चाट वाले भैया आ गए हैं। भैया आपका नाम? सज्जाद अहमद सर। सज्जाद अहमद जी। हाँ सर। तो यहाँ पे फ्रूट चाट बनाते हैं? ऑल मिक्स बनाते हैं फ्रूट चाट। अच्छा, कैसे बनाते हैं? ऑल मिक्स बना के, फ्रेश बना के देता है सर। ये हो गया वाटरमेलन सर जी, ये हो गया ग्रीन एप्पल सर, ग्रीन एप्पल, ये हो गया सर राम फल। हाँ, ये जापानीज फूड। हाँ, जापान राम फल आ गया जी। ये हो गया रेड एप्पल। अच्छा, रेड एप्पल भी है। हाँ, ये हो गया मस्क मेलन। हाँ, ये हो गया सर पाइन एप्पल। अच्छा, पाइन एप्पल भी है। हाँ, बैलेंस कैसे रखते हैं? सीधा रखते हैं ना। आपको स्विमिंग आती है? हाँ, फिर क्या, फिर फायदा कुछ नहीं पानी में। हाँ, बोट चलाने में जिसके पास स्विमिंग नहीं है वो क्या फायदा, कुछ नहीं जी। ये हो गया सर ड्रैगन।
ये हो गया सर यहाँ का मसाला। अच्छा ये मसाला है? हाँ चाट मसाला। चाट मसाला हाँ, ये हम खुद बनाते हैं, हम कभी से नहीं लाते। ये हो गया आपका फ्रूट चाट सर रेडी। ये फ्रूट चाट रेडी है जी। और कितने का है सर? 100 रुपए सर। ये 100 रुपीज की फ्रूट चाट है। और भाई कमाल है, मतलब वाइब चेक करो आप, दोनों तरफ आपके पानी है, चारों तरफ इनफैक्ट, और इस तरफ फ्रूट चाट आ गई है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ छोले भटूरे मिलते हैं? मजाक कर रहा हूँ। इधर मिलेंगे आपको, महंगी मिलेंगे, पकोड़ा मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। अच्छा वो मिलेगा? हाँ पकोड़ा वकोड़ा सब कुछ मिलेगा। बढ़िया। अच्छा ये पीछे मार्केट है, और मीना बाजार किधर है? मीना बाजार। भाई साहब ये है आज का हमारा एक और स्वाद बटांदरा। आज तो पूरा एपिसोड जो है हम डेडिकेट कर सकते हैं इस डल लेक को। यार कितना ज़बरदस्त ये एक्सपीरियंस है, आप भी यहाँ पे आओ तो ये ज़रूर एक्सपीरियंस करो। भाई साहब हियर्स अ बाइट। बेस्ट पार्ट ये है, बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस है। जब हम यूजुअली फूड एक्सप्लोर करने जाते हैं तो पैरों से चल के वॉक करते करते फटाफट से यहाँ पहुँचो वहाँ पहुँचो ये करो वो करो। अभी क्या हो रहा है कि भैया पीछे आराम से चक्कू चला रहे हैं और यहाँ पे हम सुकून से बैठे हैं और खाना एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बढ़िया यार, और एकदम शांत, आप सुन पा रहे हो, एकदम शांत। सब हमने जगह जगह पे नदरू खाया है, नदरू की यखनी खाई है, और जगह जगह पे हमने नदरू के पकौड़े बहुत कुछ खाया है। बट आज आपको हम दिखाने वाले हैं कि नदरू की खेती फार्मिंग कैसे होती है। नदरू आपको पता है कि कमल ककड़ी या कमल का जो बेस होता है वो होता है, तो उसके बारे में आपको आज बताने वाले हैं। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ एकदम। बढ़िया। आप कहाँ से आए सर? हम आए हैं जी लुधियाना से, पंजाब से। अच्छा जी, पहली बार आया? जी पहली बार। हाँ बोलिए जी। हाँ तो आप थोड़ा बताइए, एक तो आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम नूर भाई है। नूर भाई? जी हाँ। वाह, तो नूर भाई आप ये क्या कर रहे हैं, और हमारे जो परिवार वाले हैं उनको बताइए कि आप ये कैसे करते हैं। देखो ये जो लोटस रूट है, नदरू जिसको आप कहते हैं, ये एक मुसीबत से निकालना है, क्योंकि इसको कारीगर होना चाहिए। ये नदरू इस तरफ से इसको काटना पड़ता है और इस तरफ इसको खींचना पड़ता है। अगर ये यहाँ से काटेगी नहीं नीचे से जी, ये कभी ऊपर नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। अगर इसको 10 आदमी भी खींच सकते हैं, कभी ऊपर नहीं आएगी। यहाँ तरफ इसको बीज होता है, छोटा सा बीज जैसा। अच्छा, ये हमको वहीं छोड़ना पड़ता था। ये हमको अंदाजा होना चाहिए, बीज के साथ कोई नुकसान ना होना चाहिए, ये वहीं हमको छोड़ना पड़ता। कहीं कहीं ये ऊपर आते थे, क्या करिए। बाकी थी इसमें जो ये नदरू है, ये खेती है किसी के, हम ये बाड़े पे लेते हैं। अच्छा, इसको पैसे देते हैं, बाकी ऊपर वाले के नफा नुकसान ऊपर वाले के, ये हम अंदाजे करते हैं इसको, इसको कितना आएगा, कितना हमको देना पड़ेगा, तो ये हम उससे लेते हैं। प्राइवेट फार्म है किसी? ये प्राइवेट, हर एक को यहाँ प्राइवेट है जी। जी हाँ, जो डल लेक में है, जो डल लेक में कहीं भी, ये प्राइवेट है हमारा पास। ये व्यापारी आता है, अभी 4 बजे वो आएगी, वो हमसे लेगी यहाँ से। अच्छा, हम यहाँ से होल सेल प्राइस उसको देती है जी, बाद में वो बाजार में बेचती है सवेरे। नूर भाई आप एक निकाल के दिखा सकते हैं अभी नीचे से? नीचे से वो निकाल रहे हैं, वहाँ भी आप यहाँ अभी यहाँ नहीं? नहीं यहाँ नहीं। अच्छा। यहाँ हमारा नहीं खेती। अच्छा, मैं दूसरी की खेती में नहीं कर सकते, वहाँ हमारा अपना है जो हमने लिया, वहाँ आप शूट कर सकते हैं, वहाँ आपको शूटिंग उठा सकते हैं सर। ये काम हमारी बहुत मुश्किल से, मगर बहुत अच्छी तरह हलाल रोजी हम कमाते हैं। दिन भर में एक जगह बैठते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं अच्छी से। वापस उधर ही जाना है? वापस नहीं, हमको घर है यहाँ निशात की तरफ, हमारा घर है। अच्छा, मकान है वहाँ जी, निशात की तरफ। हाँ वहाँ नजदीक है निशात के। हाँ जी जी, वहाँ हमारा मकान है। और ये आपने, ये भी आपने रखा हुआ है ये वाला? हाँ। अच्छा। ये हम यहाँ छोड़ती थी ना, बनाते हैं फिर यहाँ छोड़ती थी। अच्छा, फिर व्यापारी आएगी जी, उस टाइम हमको इसको ऊपर करेगी थी, देगी इसको। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। हाँ, ये कम से कम 2 किलो होना चाहिए। अच्छा जी हाँ। और आपको अंदाजे से पता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वाह, और ये आपने उसी में स्टोर कर दिया है? जी हाँ, फ्रिज में रख दिया है यहाँ। और ये वैसे कितने का रहता है 2 किलो? ये हम यहाँ बेचते हैं 300 रुपया। 300 रुपये में 2 किलो? हाँ, बाजार व्यापारी को 300 नहीं मिलता, व्यापारी को 250 देते सर। जैसे हम आएंगे तो 300, व्यापारी को 250, 200, 250 जैसा हम भाव रहेगा जी, जी मंडी का भाव चलते है। ये ढूंढना पड़ता है ना, तकरीबन 8 फुट पानी है इधर। अच्छा 8 फुट? आठ फुट। अरे भाई देखो ना जी जी जी,
अरे वाह वाह, जो काटा है ना जी, 700 रुपए का बनता है। अच्छा, 700 रुपए का, आज कोई बनाता नहीं है जी। ये आज आज जो भी आता है डुप्लीकेट ही आता है। अच्छा, ये असली वाला है? हाँ, ये असली वाला है, तकरीबन आज से 15 साल पहले मैंने बनाया। वाह, अब डल की नबज जो है वो पकड़ रहे हैं। हाँ, बड़ा है ना। जब जा ये निकला, वाह क्या बात है। अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा ना जी, आधे से जी, जैसे मैंने बोला आपको कारीगर होना चाहिए जी जी, तो जी इसकी रेट थोड़ा कम हो जाती है। अच्छा, इसी रेट थोड़ा पूरा निकालना पड़ता जी है, जी जी। ये दो पीस है? ये दो पीस। वाह क्या बात है। और भाई साहब ये है मीना बाजार श्रीनगर का, डल लेक का। और कहते हैं कि दुनिया की एकमात्र ऐसी मार्केट है जो फ्लोटिंग मार्केट है। मैं चाहता था कि इस टूर पे आपको सब कुछ दिखाऊं और सब कुछ अपने नज़रिए से दिखाऊं। भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे शिकारा पार्क करके लोग यहाँ पे शॉपिंग करने जाते हैं ना भैया? जी सर, हाँ यहाँ पे। ये देखिए, तो भाई साहब अभी हम जा रहे हैं मैगी खाने अपने शिकारा के ऊपर, डल लेक में मैगी। और ये देखो हमारा जो रेस्टोरेंट है वो आने वाला है, मैगी पकौड़ा चाउमिन कॉफी टी कहवा सब कुछ है यहाँ पे। सर क्या हाल है? ठीक, मजे। ये क्या है सर? मेन्यू है। अच्छा, मेन्यू है। यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा? चाय, कॉफी, कावा, मैगी, पकोड़ा। जी, तो सर एक तो मैगी खिलाइए, आपकी मैगी की बहुत तारीफ सुनी है। मैगी कौन सा वाला चाहिए आपको? आप बताइए कौन सा स्पेशल है। वेज मैगी। जी वेज मैगी दे दीजिए। तो भाई अभी मैगी खाने वाले हैं, यहाँ पे हमने अपनी शिकारा पार्क कर दी है। और यहाँ पे एकदम बगल में देखो ये दुकान है, और यहाँ से अभी हमें मैगी खाने को मिलेगी। आपका हो गया मिक्स पकोड़ा। अरे वाह, और ये मैगी। ये आ गया जी मिक्स्ड पकोड़ा और साथ में मैगी, और इसमें पनीर वाले पकोड़े भी हैं। और भाई साहब ये प्याज के पकोड़े हैं, साथ में मैगी है। और सर ये कितना हो गया टोटल? ये हो गया आपका 300। मतलब इसमें मैगी कितने का है? मैगी 100 का, और 200 के पकोड़े। बहुत ज़बरदस्त। और ये साथ में चटनी है, चटनी है, दो तरीके की चटनी है जी। इसमें दुनिया जी 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 जी, बहुत बढ़िया। डल के ऊपर एकदम बढ़िया शिकारा पे हम यहाँ पे खा रहे हैं जी, पकोड़े और साथ में मैगी। तो स्वाद वटांदरा करते हैं जी आपके साथ। सबसे पहले तो यहाँ से पकोड़ा ही उठाते हैं। ये पनीर का पकोड़ा है जी, इसके साथ ये आ गई चटनी। और हियर इज, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है यार। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस शायद किसी और जगह पे नहीं है जैसा कश्मीर में है, श्रीनगर में है। हियर इज बाइट। और ये देखिए अंकल बोल रहे हैं कि आप मैगी तो ट्राई करो। तो ये देखो जी, ये आ गई मैगी, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। एंड भाई थोड़ा आगे मैं झुक के खाता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऊपर गिरे। हियर्स बाइट। ओ भाई सर ज़बरदस्त है, बहुत कमाल है। वाकई वाकई बहुत स्वाद है। और थोड़ी सी और खा के फिर ये हम आगे चलते हैं। अंकल बने हुआ बने। वाह कैसे है? बहुत स्वाद है और प्रॉपर, मतलब जैसे हम खाते हैं ना तो हमारा टेस्ट पूरे पंजाबी फ्लेवर्स है, मसालेदार एकदम, जैसे हमारा टेस्ट है बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर है। पहाड़ों वाली मैगी छोड़ो, डल लेक वाली मैगी है ये। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे बारबेक्यू खाने। सर क्या हाल है जी आपके? बस अल्हम्दुलिल्लाह सर, सब ठीक है सर। आप सुनाओ कैसे हो सर? एकदम बढ़िया। आपका नाम सर? मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ बारबेक्यू। वाह वाह, मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ
मोहम्मद अशरफ बारबेक्यू। और क्या क्या बारबेक्यू करते हैं आप यहाँ पे? मैं बेचता हूँ सर चिकन टिक्का, फिश टिक्का, मटन टिक्का, मटन कबाब, चिकन कबाब, फिश कबाब, पनीर, मशरूम और मटन बोटी। अरे वाह, 8 आइटम है। क्या बात, एक बार दिखा सकते हैं कहाँ पे? ये हो गया चिकन टिक्का और हो गया चिकन कबाब जी, ये हो गया सर फिश टिक्का। ये जी फिश टिक्का, फिश टिक्का ये हाफ डन होता है। ये हो गया मटन टिक्का, मटन टिक्का हाँ, जी मटन अच्छा हाँ, जी ये हो गया पनीर मशरूम। अच्छा वेजिटेरियन भी है? वेजिटेरियन। वाह बहुत बढ़िया। और मटन कबाब है, ये हो गया मटन कबाब। ये है जी मटन कबाब, और ये कश्मीरी कबाब है ना? ये कश्मीरी कबाब है जी, ये बनता है वाजवान पे। जबरदस्त जबरदस्त, वाजवान की स्टार्टिंग में तवक मास के साथ। हाँ तवक मास के साथ बिल्कुल बढ़िया। तो सर ऐसा करिए, एक आप वेजिटेरियन चीज जो है वो लगा दीजिए। ऐसा एक प्लेट में पड़ता है, 4 स्टिक बनाओ। जी जी जी, कितने का प्लेट है? बस ज्यादा नहीं, 5-10 हजार का प्लेट है। 5-10 हजार में हो जाएगा? सही है। और यहाँ बैंक कहाँ है? बैंक सामने ही है। तो लोन लेने जाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। ये देखो पनीर टिक्का के अंदर शिमला मिर्च जो है वो लगा रखी है। इसको सर यहाँ पे क्या कहते हैं पनीर टिक्का को? पनीर टिक्का को यहाँ पे कश्मीरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? कश्मीरी लैंग्वेज में जी चामन्यतुज। चामन्यतुज, हाँ चामन्यतुज। पनीर टिक्का चामन्यतुज, चामन्यतुज। और चिकन टिक्का? चिकन टिक्का को बोलते कोकरतुज। कोकरतुज, कोकरतुज। भाई साहब डल लेक ना एक पूरा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप सिर्फ आते हो और घूमते हो और चले जाते हो, ये एक पूरा एक्सपीरियंस है। और ये क्या है सर? ये हो गया अखरोट का चटनी। अखरोट का चटनी, वाह बहुत खूब। सर ये आप बड़े शौक से बनाते हैं, नहीं तो लोग तो एक चटनी के साथ ही देते हैं ना? कितने साल से कर रहे हैं आप? मेरे को हो गए 30 साल। 30 साल, और यहीं पे सीखा आपने या कहीं और सीखा? नहीं मैं यहीं पे सीखा। तो कितने बजे से कितने बजे तक लगाते हैं सर आप? मैं सवेरे 10:30 बजे निकलता हूँ जी, 10:30 बजे से तकरीबन, इस वक्त ठंडी का मौसम है जी, तकरीबन 9-9:30 तक। अच्छा रहते हैं आप? हाँ मैं रहता हूँ। वाह, और प्यास भी है, क्या बात है। तो बहुत ही कमाल हो गया सर, ये प्लेट है। और सर इसमें इसका असली में प्राइस क्या है, क्या रेट है जी? कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं है। नहीं वैसे वीडियो में बताना होता है जी। इसका पड़ता है हाफ प्लेट जो है जी, ये पड़ता है 250, और पूरा प्लेट पड़ता है 500 रुपीज। ठीक है, जो पनीर टिक्का है 500 का है। इसका भी वीडियो उठाओ। ये देखिए, ये है जी आपका मेन्यू, और इसमें सारे प्राइसेस हैं, आप कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। तो भाई साहब ये है आज का हमारा स्वाद वटांदरा, ये जी पनीर टिक्का, और पनीर टिक्का के साथ हम ये अखरोट वाली जो चटनी है, ये वाइट वाली है ना? हाँ वाइट वाली जो चटनी अखरोट वाली है, तो ये ट्राई करते हैं जी इधर से। हियर इज अ बाइट। वाह, इसके लिए तो 5-6 हजार कम है। ये डालो चाट मसाला जी जी जी। अरे वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मजेदार है यार, बहुत खूब है, जबरदस्त। ओह अब ये 6 हजार का हो गया। इस बोर्ड का नाम है अनारकली डिस्को चली। अच्छा हाँ, दूसरा नाम है इसका लिली डोंट बी सिली। लिली डोंट बी सिली, यस ऑलवेज सिली। अरे वाह, अब कहाँ से? लुधियाना से। अब तो वहाँ का नहीं लग रहे हैं। कहाँ का लग रहे हैं? अब बाहर का लग रहे हैं। कहाँ, किधर बाहर का? अमेरिका से। नहीं सर अमेरिका तो मैं कभी गया, वीजा भी नहीं लगा। देख लो ना ये तो कहाँ लग रहे हैं वहाँ का। हाँ ये तो एकदम गॉर्जियस लग रहे हैं। कहाँ जैसा? गॉर्जियस। अरे थैंक यू। Gorgeous, awesome, marvelous, groovy. आपने कहाँ से सीखा? पापा ने। अरे वाह, मेरा पापा है ऑस्ट्रेलिया में। वाह, मेरा पापा सीनियर, आई एम जूनियर। अरे वाह, उसको हो गया 50 साल, हमको हो गया 25 साल। तो यहाँ पे क्या बेच रहे हैं आप? हम फूल बेचते हैं और सीड्स हम बेचते हैं। अच्छा फूल और सीड्स। हाँ कोई तो कस्टमर लेते सीड्स, कोई लेते फ्लावर्स। किसी को अगर अभी प्रपोज करना है तो वो फ्लावर लेगा। हाँ अगर साल दो साल बाद करना है तो वो सीड्स लेगा। सीड्स लेगा। बढ़िया बढ़िया, ये ऑफर भी है जी जी जी। और आपका नाम सर? हमारा नाम है लिली, तीन को खिली सवरे चली। Which flowers for, take it for one. मैंने प्रपोज कर दिया है, शादी हो गई। अभी हो गई, because I living tomorrow Australia, हमको भी ऑस्ट्रेलिया जाने का। अच्छा मेलबोर्न, जैसे कहते हैं ना मुझे सुबह पनवेल निकलना है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।